लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। नगर परिषद चांद में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव का स्कोर लगभग 90% तक देखने को मिला। चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ बारिश में सभी मताधिकार ने अपना मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुलिस प्रशासन भी जगह जगह पर अपनी सेवाएं देती हुई दिखी। सभी नगर वासियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग किया। उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन मौके पर उपस्थित रहे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो चीफ साहिल एवं काशिम मंसूरी की विशेष रिपोर्ट। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल से जिला क्राइम ब्यूरो चीफ साहिल। जैसे कि हम लोग आज चांद में आए हुए हैं, यहाँ पे नगरीय चुनाव स्टार्ट है, जोर शोर से लोग की मतलब भीड़ भी दिखा सकते हो आप। दिखाओ, आप बोलते जाओ। कार्ड दूंगा आप दिखा सकते हो। जैसे कि हम स्कोर की यदि मैं बात करूं तो 50+ स्कोर हो चुका है यहाँ पे, मतलब महिला एवं पुरुष के तहत। और मैं यहाँ से बात करूंगा हमारे आदरणीय श्रीमान मतलब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हमारे आदित्य ठाकुर जी एवं संदीप रघुवंशी जी। मतलब R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आज निर्वाचन के इस महापर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। और जैसा कि पूर्व में विदित है, आज नगर परिषद चांद में नगरीय निकाय के चुनाव है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पर मतदान है। और वास्तव में आज यहाँ पर अभी तक 51% मतदान हो चुका है और 5 बजे तक मतदान चलेगा। बड़ी संख्या में यहाँ मतदान होगा और 90% के मतदान होगा। कानून की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे चांद के जो थाना प्रभारी है, तहसील महकमा के जो भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है, सारे लोग यहाँ पर पूर्ण तरह से कॉपरेट कर रहे हैं और शांतिप्रिय तरीके से सारा कार्य व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हम आगे बात करेंगे संदीप भैया रघुवंशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण में भी उनका एक मतलब महापरिचय है, तो मैं उनसे बात करूंगा। संदीप भैया, आप R9 के माध्यम से क्या महत्व है? सबसे पहले मैं R9 भारत को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा पवित्र अवसर है और लोकतंत्र का भी महोत्सव 13 जुलाई को आज चल रहा है, जो कि 15 दिनों से प्रशासन मुस्तैद होकर और बहुत अच्छी तैयारी करने का परिणाम है कि भारी बारिश के बाद भी जन सैलाब उमड़ पड़ा है और 50-60% के आसपास अभी मतदान हो चुका है। लगभग 1 बज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भीड़ कम नहीं हो रही। आप देख रहे हैं यहाँ 15 मतदान केंद्र बनाए हुए, 15 पार्षदों का चुनाव होने वाला है और नगरीय प्रशासन के माध्यम से स्वच्छ चांद और सुंदर चांद का हमने नारा दिया है। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष ठाकुर तान सिंह पटेल जी के नेतृत्व में और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई डॉक्टर कामेन ठाकुर जी और हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई आदित्य ठाकुर जी के साथ पूरे युवाओं में हमने जागरूकता अभियान के तहत अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन अंदर पूरी व्यवस्था के साथ लगा हुआ है, निष्पक्ष और निस्वार्थ यह चुनाव संपन्न होने जा रहा है। मैं उसकी चांद वासियों को बधाई देता हूँ और चांद में 4 चांद लग जाएं, इसके लिए पूरे चुनाव का उद्देश्य है कि आने वाले समय में हमारा जो देश है, जो हमारा चांद है, जो हमारा छिंदवाड़ा जिला आगे बढ़े, विकास के रास्ते पे बढ़े। कुछ ही समय पहले अभी कलेक्टर महोदय हमारे सौरभ सुमन जी और हमारे SP महोदय विवेक अग्रवाल जी भी यहाँ से निरीक्षण करके गए हैं। हमारी उनसे मुलाकात तो हुई, उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए और इस निर्वाचन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। मुझे लगता है कि एक उत्सव के रूप में इस निर्वाचन को हम सब ने मिलकर के मनाया है और जनता से ऐसा मुझे विश्वास होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही नगर परिषद में सरकार बनेगी। हम लोगों ने भाईचारे के साथ एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर के इस निर्वाचन कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ काम किया है। शांतिपूर्ण पूरा आदर्श अपन कह दे तो भी कोई अच्छी सुर्खी नहीं है ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया में। जैसे कि नगर में आपकी जो सरकार बैठती है, तो आप मतलब कार्य हित के लिए क्या बोलना चाहोगे? उसके लिए हम जनता को ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो भरोसा हम पर जताया है, हम उनके आभारी हैं और देश और प्रदेश में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो विश्वास उन्होंने दिया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं और ये निर्वाचन में हमें सहयोग मिलेगा उनके लिए हम आभारी हैं और विकास के पथ पर चल करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस भाव के साथ में हम परिषद में काम करेंगे और योजना शासन की गति है वो अंतिम व्यक्ति तक प्राप्त हो ऐसा प्रयास करेंगे। ठीक है, ये थे R9, ये थे हमारे धान सिंह ठाकुर साहब। अब श्रीमान BJP के वरिष्ठ नेता ये हमारे संदीप
रघुवंशी जी से बात करेंगे कि आप क्या बोलना चाहोगे। सर्वप्रथम मैं चांदवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की, बहुत बड़ा पर्व होता है, गुरु ने यहाँ तक पहुँचाया अपने को, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को चरण वंदन। और आज इस लोकतंत्र के महोत्सव में जो डुबकी लगा रहे हैं हम आकर के, चांद में गंगा जमुनी संस्कार है, संस्कृति है, हम लोग कोई भी त्यौहार कोई भी कार्यक्रम मिलजुल के मनाते हैं। वैसे ही ये भी एक मतदान का 15 वार्डों का एक चुनाव था जो कि संपन्न होने जा रहा है। 70 से 80% वोटिंग, भारी बारिश के बाद भी सबका सहयोग मिला। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठाकुर दान सिंह जी पटेल साहब हमारे यहाँ के क्षेत्र के नेता हैं, हमारे यहाँ के पार्षद के वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी हैं। उन्होंने बड़े भाईचारे से, सद्भावना से, बड़े समन्वय से, बड़ी सहजता सरलता से इस चुनाव में सबका मार्गदर्शन किया। और मैं चांद की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण मतदान की अपील कलेक्टर साहब ने भी की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी की, और इस चांद में 4 चांद लग सकें इसके लिए ठाकुर दान सिंह की ओर से पूरी जनता ललचाई नज़र से देख रही है। इसलिए हमारा इशारा आप समझिए कि हम कमल फूल यहाँ खिलाना चाहते हैं। जय श्री राम। भारत माता। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल से चांद से विशेष रिपोर्ट। थैंक यू सो मच।